तो बच्चों देखो, ये एक्स मैट्रिक्स को मैं क्या लेता हूँ अभी मुझे पता नहीं। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ जो मल्टीप्लाई करके आया है वो कौन से ऑर्डर की है। ये 2x2 की है, ध्यान से देखो। और ये जो पहली मैट्रिक्स है, मैं इसको यहाँ पे आराम से लिखता हूँ 1, 4, 1। ठीक है, ये कितने की मैट्रिक्स है बच्चों, कितने ऑर्डर की? ये है 2x1 की। ठीक है, इसका मतलब अब ये मल्टीप्लाई हो रहा ना, इसका मतलब जो ये एक्स मैट्रिक्स होगी ना, ये 1x2 की होने वाली है। तभी तो मल्टीप्लाई हो रहा, क्योंकि 1 1 होगा सेम, तभी मल्टीप्लाई होगा। और ऑर्डर देखो 2 2 का आ रहा है। ठीक है, तो ये जो एक्स मैट्रिक्स है ना बच्चों, ये 1 2 की होने वाली है। ठीक है, 1 2 की मतलब 1 रो और 2 कॉलम होने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो ये ऐसे होने वाली है, जो एक्स है तो मैं इसको लिख लेता हूँ एक्स और वाई। ठीक है, 1 रो है और कॉलम 2 होने वाले हैं इसके, तो मैं लेट एक्स को ले लूँगा एक्स वाई, राइट। तो देखो मैं अब इसको सॉल्व करता हूँ, तो ये हो जाएगा 4 1 एक्स वाई इक्वल्स टू -4 8 -1 2। ठीक है, ओके जी, मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, फिर इन दोनों को इक्वेट कर देता हूँ, इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब बच्चों देखो, मल्टीप्लाई करूँगा तो 2x2 की ही आएगी। तो देखो रो कॉलम, तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4x, फिर रो कॉलम, तो ये 4y, फिर रो एक्स कॉलम वाई इक्वल्स टू -4 8 -1 2। तो सीधे सीधे एक्स की वैल्यू आ गई -1 और वाई की वैल्यू आ गई 2। दिक्कत ही खत्म। नेक्स्ट करते हैं।